हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज देखिए जो हमारा टॉपिक है वो है SO2 बनाने की विधियाँ। SO2 बनाने की विधियाँ। अगर सल्फर को जलाया जाए तो SO2 बनती है। अगर SO2 को V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीजन की संपर्क में लाया जाए तो SO3 बनती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इस रिएक्शन को आप देखोगे जब आप संपर्क विधि पढ़ोगे सल्फ्यूरिक अम्ल की। ठीक है, बैलेंसिंग कर लेना। ओके ना, पहले ही हो गए। दूसरी देखिए, दूसरी है हमारी कि दूसरी लिखिए Fe2 +O2 गर्म करेंगे, Fe2O3 +SO2। ठीक है, 3 और 2 5 है तो इसको कर लो, 2 3 दुनी 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 दुनी 8 ये 8 हो जाएगा, तो 8 दुनी 16, 16 3 दुनी 6, 16 और 6 22 हो जाएगा, 11 लगा दीजिए बैलेंस। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 है यहाँ पे जो SO2 निकलती है, थोड़ी कंडीशन याद रखना, लाइट येलो कलर की होती है। ठीक है, लाइट येलो। आगे देखिए, आगे आपका Fe SO4.7H2O। ठीक है, इससे बनेगा आपका Fe2O3 + SO2 + SO3। और ये 7 जो H2O है वो आपके वाष्प बन के उड़ जाएंगे। देखिए Fe2 है तो इसको 2 कर दीजिए, सल्फर हमारा 2 हो जाएगा, 4 दुनी 8, 3 दुनी 5, 2 3 8 हो जाएगा। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 क्या कहता है, H2SO4 के अपघटन पर H2O SO2 + O2 कितना है, 2 2 4। ठीक है ना, 1 5 5 है तो इसको 2 कर दो, 2 दुनी 4, इसको 2 कर दो, 2 दुनी 4, सल्फर 2 हुआ, 2 करो, 2 दुनी 4 तो 6 2 8 बैलेंस हो गए, ये बनता है। ठीक है ना, SO2। अब हेडिंग डालिए उपयोग, यूज, उपयोग, उपयोग स्वयं कर लेना। ठीक है ना, स्वयं लिख लेना किताब से देखकर। भौतिक गुण कलर कैसा था, लाइट येलो। ठीक है, नंबर 2, जल में अत्यधिक विलेय है, जल में अत्यधिक विलेय है। नंबर 3, त्वचा पे गिरती तो जलन महसूस होती है। ओके, नंबर 4,
अम्लीय प्रकृति के लिए। जैसे SO2 को H2O में डालोगे, आप चेक कर लो, SO2 को H2 में डालो क्या बनता है, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, यानी कि अम्लीय प्रकृति है इसकी। ओके, नंबर 5, ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, अभिकर्मक है, रिड्यूसिंग अभिकर्मक है, रिड्यूसिंग एजेंट अभिकर्मक, ठीक है ना, ये अपचायक करती है, ठीक है ना। हो गया, नोट कर लीजिए इसको, मिटा दे। आगे हैं संरचना, SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक लोन पेयर बचा हुआ है, ठीक है ना, एक लोन पेयर है, ठीक है ना, संकरण कौन सा हुआ बताओ, संकरण सिग्मा सिग्मा, तो 2 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, टोटल 3 बने ना एक अच्छक, और 3 पर क्या बताया था, SP2। ओके, बॉन्ड एंगल कितना है, ये बॉन्ड एंगल बोलते हैं इसको, कितना है, 119 डिग्री, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे हैं रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में हमारा आता है सबसे नंबर 1 पर, SO2 की क्रिया आप Cl2 के साथ कराओगे तो SO2Cl2 बनेगा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, पहला सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है ना, और इसका जो उपयोग है वो किया जाता है फ्री रेडिकल बनाने में, मुक्त मूलक बनाने में, किसका, क्लोरीन का, बहुत आसानी से क्लोरीन का मुक्त मूलक बनाती है SO2Cl2। नंबर 2, क्या देखा था, SO2O2 से करके क्या बनाती थी बोलो, अगर V2O5 रख दें तो SO3, 2 और 2 बैलेंस। नंबर 3 पे देखिए रिएक्शन, नंबर 3 पे है PbO2 के साथ, PbO2 के साथ में SO2, तो ये बनाती है PbSO4। तो देखिए सभी में क्या हो रहा है, ये कंपाउंड एक दूसरे में जुड़कर बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक, तो ये योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, ये जो है हेवी वाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, भारी होता है और सफेद कलर का होता है, नीचे बैठ जाता है, ठीक है, 3 रिएक्शन नोट कर लेना, हो गया मिटा दे। देखिए अगला है SO2 की CaOH के साथ अब क्या करवानी है, ठीक है, ध्यान से देखना, OH और OH लगा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर, ये देखो क्या बन गया, H2O, क्या बचा, CaO बचा, CaO
SO2, दो और एक तीन, CaSO3 बन गया, CaSO3, कैल्शियम सल्फाइट, सल्फाइट है, कैल्शियम सल्फाइट, कैल्शियम सल्फाइट मिल्की होता है, दूधिया रंग। जब आप क्या करोगे, SO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रोवाइड करोगे तो मिल्की दूधिया रंग आएगा। और अगर इसमें आप अधिक मात्रा में प्रवाहित करोगे, ठीक है ना, अगर आप इसमें अधिक मात्रा में प्रवाहित करोगे SO2, तो आपका CaHSO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाई सल्फाइट बनता है, कैल्शियम बाई सल्फाइट, ठीक है ना। और जो ये नॉन मिल्की होता है, अदूधिया, मतलब जो दूधिया रंग होता है वो चला जाता है अगर आप भारी मात्रा में SO2 गैस प्रोवाइड करोगे इसके अंदर, ठीक है ना। हो गया, आगे देखिए रिएक्शन, कलर लिखते जाना बेटा, यही पेपर में पूछे भी जाते हैं आपके। अगे SO2 की क्रिया Cl2 प्लस H2O हो गया। तो देखिए रिएक्शन कैसे होती है, HCl प्लस H2SO4 ये बनता है आपका, क्लियर। देख लो, दो है, दो कर दो, दो और दो चार, उसको दो कर दो, दो दूनी चार, बैलेंस हो गई पूरी। SO2 Cl2 H2O, HCl और H2SO4 बनाता है, ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखिए, SO2 जो है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस H2O, ठीक है। अगर ये रिएक्शन में कोई दिक्कत है, मैं तुमको तोड़ के बता दूं क्या, तोड़ के बताऊं। देखो ऐसे होता है, देखो SO2 प्लस H2O ये रिएक्शन होती है, बनता है आपका H2SO4 प्लस नवजात हाइड्रोजन, बैलेंस करो, चार है, चार ऑक्सीजन, दो दूनी चार, दो दो चार, ये रिएक्शन होती है। फिर ये जो नवजात हाइड्रोजन है आपका, ये क्रिया करता है Cl के साथ, बनाता है Cl। देखो ये, यहाँ देखो ये Cl दो है, दो करेंगे H2 हो जाएंगे, दो करेंगे बैलेंस है, काट देंगे, हो गया। क्या बचा, SO2 Cl2 2H2O, एरो का निशान, H2SO4 प्लस 2HCl। अच्छा ये नोट कर लो, चाहिए ये एक लाइन में है, ये तोड़ के है, ये मुझे जल्दी याद हो जाती है, तोड़ के बनाऊंगा जितना, हो गए। दूसरी देखिए, दूसरी रिएक्शन देखिए, SO2 KMnO4 प्लस H2O, ठीक है, ये रिएक्शन है हमारे पास में। इसको देखिए कैसे करते हैं, वही कंडीशन, SO2 और H2O क्या बनाएगा, H2SO4 प्लस नवजात हाइड्रोजन, दो कर देना, यहाँ दो बैलेंस हो गए। अब इसके बाद में जो हमारा KMnO4 है, वो अब क्या करेगा, H2SO4 प्लस नवजात हाइड्रोजन, देखो के एस ओ फोर के टू एस ओ फोर प्लस MN, तो MnSO4 प्लस बचा क्या है, H2O निकाल देते हैं, ठीक। बैलेंसिंग पे ध्यान दो, पोटेशियम दो है, दो कर दो, MN हमारा दो हुआ तो दो कर दो,
सल्फर हुआ है 2 1 3, 3 सल्फर कर दो। अब हमारे पास क्या बचा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है हमारे पास में 3 दुनी 6 और 1 7, सम कर लो 3 दुनी 6 2 8, 4 कर लो 4 दुनी 8। अब चेक कर लो, 4 दुनी 8, 3 चक्कू 12, 12 और 8 20, 4 दुनी 8 4 12, 12 और 4 16, नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ। तो कितना है, 3 चक्कू 12, 12 और 8 20, 4 दुनी 8, 8 चार 12, 12 और 8 20, 4 दुनी 8, नहीं, 4 ही होगा। तो यहाँ पे 8 लगा दो, कितना हो गया, 4 दुनी 8 चार 12, 12 8 20, और ये 3 दुनी 6 और 8 दुनी 16, 6, यानी कि 10 चाहिए हमको, 10 और 6 16। अब ये 10 है और ये 2 है, तो इसमें जो है 5 से गुणा होगी, 5 दुनी 10, 5 एकम 5, 5 दुनी 10, 5 एकम 5, हो गया। कितना कहाँ पे लग करना है वो आपको सामने है, ठीक है ना। देखिए, 2KMnO4 प्लस 5SO2, ठीक है ना, H2SO4, ये 3, ये 5, तो ये उधर जाएगा, ये 10, ये 8, तो ये इधर आएगा, प्लस 10 से 8 जाएगा 2H2O, हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए आगे, 5, ये 3, 5 से 3 गया 2, H2SO4 प्लस K2SO4 प्लस 2MnSO4, रिएक्शन बन के तैयार हो गए। नोट कर लीजिए फटाफट इसको, हो गया, हो गया ना, चल मिटा दें, चलिए मिटा दिया, हो गया, क्लियर है ना। चलिए आगे देखिए, विरंजक गुण, हेडिंग क्या पड़ेगी, विरंजक गुण। विरंजक गुण कैसा है, फटाफट इसको लिख लीजिए, आप नोट करिए फटाफट, विरंजक गुण, विरंजक गुण। देखिए, इसका विरंजक गुण, इसका विरंजक गुण, विरंजक गुण बता तो चुका हूं मैं, क्या होता है, रंगीन पदार्थ रंगहीन पदार्थ, ये बताया था मैंने। देखिए, इसका विरंजक गुण अपचायक गुण के कारण होता है, अपचायक गुण के कारण होता है, हो गया, या रंगीन वस्तुओं को या रंगीन वस्तुओं का रंग उड़ा देती है, रंग उड़ा देती है, और विरंजित पदार्थ को, और विरंजित पदार्थ को पुनः वायु में रखने पर, पुनः वायु में रखने पर रखने पर हो गया, रखने पर या पुनः रंगीन हो जाता है, या पुनः रंगीन हो जाता है, इसकी विरंजक क्रिया अस्थायी होती है, इसको नोट कर दीजिए पूरे को, उसके नीचे क्या हो गया, हो गया, हटा दें, चल आगे देखिए, SO3, तो संरचना इसकी कैसी होगी,
हो गया, सही से बना दें, ऐसे होगी इसकी। ये लीजिए, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा है? तीन। तीन पे क्या होता है? एस पे टू। बॉन्ड एंगल क्या होगा? सभी बॉन्ड है, आकृति कैसी होगी बोलो, क्या होती है इस पे बोलो, क्या बन गया? समतली त्रिकोणी संरचना हो गया, समतलीय त्रिकोणीय संरचना हो गया। चलिए, SO3 के बारे में इतना ही था, ठीक है ना, धन्यवाद।